वो अल्लाह के अलावा अपने पांच बाबों को पूछते थे, और आज इस कुरान के पैगाम से बेखबर कौम अल्लाह को इन पांच में समझती है, इन पांच को अल्लाह में समझती है। कहती है ली खम्स उत्फी बिहा हर्र अल्वबा मुस्तफा मुर्तदा वबनैहुमा वल्फातिमा। तुम्हारी मुश्किलें टालने वाला कोई और होगा, लेकिन हमारी टालने वाले मोहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, ये पंच सन पाक हमारी हर मुसीबत को टालते हैं। नूह अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी कौम को पैगाम देते हैं, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तन्हा है, अल्लाह यकता है, अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात और इबादत में अकेला है, ना अल्लाह के अंदर ये पांच हलूल किए हैं, ना अल्लाह इनके अंदर आया है, ना ये अल्लाह में आए हैं, अल्लाह अकेला है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई इला नहीं है। हूद अलैहि सलातु वस्सलाम वो अपनी कौम को दावत देते हैं, उनकी कौम भी अल्लाह के वजूद का इकरार करती है। आप कहते हैं या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है। कौम जवाब में कहती है कालू लो शा रब्बुना लअंजल मलाइकतन फइन्ना बिमा अरसलतुम बिही काफिरून। ये अपने नबुवत का पैगाम देते हैं, रब की तौहीद का ऐलान करते हैं। कौम जवाब में कहती है कौम आद, अगर अल्लाह ने नबी बना के भेजना होता, नूरियों को भेजता, फरिश्तों को भेजता, तुझे ना भेजता, जो तू लेकर आया है हम उसके इनकारी। उस कौम के मुशरिक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अल्लाह का नबी बशर भी हो सकता है। वो कहते थे नहीं, लो शा रब्बुना लअंजल मलाइका, अगर अल्लाह चाहता मलाइका को उतारता, नूरी नबी बनकर आते, बशर नबी नहीं बनकर आ सकता। हम तेरी नबुवत का इनकार करते हैं। आज के दौर का भी कब्र का पुजारी वो यही कहता है, तुम इसको बशर कहते हो, हकीकत में ये बशर नहीं है, ये नूर है। उस दौर का मुशरिक भी ये मानने के लिए तैयार न था कि नबी बशर भी हो सकता है। आज के दौर का मुशरिक भी यह मानने के लिए तैयार नहीं कि नबी बशर हो सकता है, और नहीं समझते अगर नबी को नूर माना जाए तो खानदान मोहम्मद अलैहि सलाम से मोहम्मद अलैहि सलाम का कोई रिश्ता रह सकता? नूरी की तो कोई औलाद नहीं, नूरियों की तो बीवियां नहीं, नूरियों के तो बच्चे नहीं। नूरी मानोगे तो खानदान से ताल्लुक खत्म, आलिमुल गैब मानोगे तो वही का इनकार, हाजर नाजर मानोगे तो हिजरत का इनकार, मुख्तियार कुल मानोगे तो शफायत का इनकार। उस कौम ने कहा अगर अल्लाह ने नबी भेजना होता तो नूरी बनाकर भेजता। सारे अलैहि सलातु वस्सलाम अपनी कौम को यही पैगाम देते हैं, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इला नहीं। कौम कहती है जवाब सुनिए, वो अहले शिर्क इस दौर के हो या उस दौर के, जवाब सुनिए, अतनहाना अन नअबुद मा यअबुद आबाउना व इन्ना लफी शक मिम्मा तदउना इलैहि मुरीब। हमें तुम उस काम से मना करते हो जो हमारे बड़े करते आए, तू हमें मना करता है कि हम उसको ना पूछे, उनकी इबादत ना करें जिनकी इबादत हमारे बड़े करते आए, हमारे आबाओ अजदाद करते आए, जो दावत तू लेकर आया है हम इसमें शक करते हैं। उस दौर की उम्मत यही कहा करती थी, हम जो कर रहे हैं अपने बड़ों के रास्ते पे चल रहे हैं। आज भी अहले शिर्क का यही जवाब होता है, तुम्हें अब समझ आई है, हमारे दादा अबू को समझ नहीं थी, ग्यारहवीं शरीफ तो हमारे पड़दादे से चलती आ रही है। लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे बसे भर के ले जाना, ये तो हमारी नस्लों से चलता आ रहा है। इन कब्रों पे तवाफ करना बड़ों से सीखा है, कब्रों पे सजदे करना हमने अपने आबाओ अजदाद से सीखा है, हाथों में अंगूठिये पहनना ये बड़ों की तालीम है, हाथ में कड़े पहनना बड़ों की तालीम है, इमाम ज़मीन बादला बड़ों की तालीम है, बच्चा पैदा होते ही इसको दरबार का नमक चटाना बड़ों की तालीम है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने सिखाया। उस